हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश पालौत और मैं आपके लिए ग्रामर के पूरा ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आज मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं अपना, जिसका नाम है डिग्री। और ये टॉपिक की बड़ा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलो शुरू करते हैं। डिग्री किसी भी एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं, तो मैं लिख सकता हूँ देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इट मीन्स किसी भी एडजेक्टिव की और किसी भी एडवर्ब की तीन डिग्री होती है। इसकी पहली जो डिग्री है उसका नाम है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ये किसी भी एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा कि डिग्री बनती कैसे है, तो हाउ टू फॉर्म डिग्रीज, कि डिग्री बनाई कैसे जाती है, इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। चलो तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि टॉल एक एडजेक्टिव है, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री टॉलर है और इसकी सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट होती है। इसी तरह से मैं बात करूँ रिच के बारे में कि रिच पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपेरेटिव रिचर होती है और सुपरलेटिव डिग्री इसकी रिचेस्ट होती है। ठीक इसी तरह से यदि पुअर की बात करूं, तो पुअर की कंपेरेटिव डिग्री भी पुअरर होती है और सुपरलेटिव डिग्री पुअरेस्ट होती है। यदि मैं बात करूं ब्यूटीफुल की, तो ब्यूटीफुल की कंपेरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट ब्यूटीफुल। हमें यह समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ इनकी कंपेरेटिव डिग्री बनाई तो ER और सुपरलेटिव डिग्री बनाई तो ST लगा, जबकि इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट लगा। ये बात हमें समझनी है। तो इसका क्या कारण है कि प्रत्येक जो शब्द होता है वो सेलेबल से बनता है, हर शब्द सेलेबल से बनता है। अब ये सेलेबल क्या होता है? सेलेबल होता है ए वोवल साउंड, स्वर की जो ध्वनि होती है उसको हम सेलेबल बोलते हैं। और हम सबको पता है कि वोवल जो हैं वो फाइव होते हैं, AAIOU। एक पार्शियल वोवल भी माना जाता है जो Y होता है, इसको भी वोवल में काउंट किया जाने लगा है। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ वोवल साउंड आती है वो एक सेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन यदि आपके लिए मैं फॉर्मूला दूँ सेलेबल, इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू फाइंड आउट द सेलेबल्स, तो मैं आपको ये फॉर्मूला दे सकता हूँ कि CVC ये एक सेलेबल होता है। यहाँ C का मतलब कॉन्सोनेंट से है, V वोवल है और C कॉन्सोनेंट है। जिस वर्ड में आपको CVC स्ट्रक्चर मिलती है वो वर्ड एक सेलेबल होता है, और ऐसे वर्ड को मोनोसेलेबिक वर्ड कहा जाता है, मोनोसेलेबिक वर्ड्स बोलते हैं। और यदि एक V और C और आ जाए इसमें, तो ये जो C है वो इसमें भी कॉमन रहेगा और इसमें भी कॉमन रहेगा, उसको कहा जाएगा दो सेलेबल। तो जिन शब्दों में दो सेलेबल होते हैं उनको डाइसेलेबिक वर्ड्स कहा जाता है। और यदि V और C और आ जाएं तो ये तीन सेलेबल, फिर V और C आ जाए तो चार सेलेबल। इसका मतलब इसकी तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें एक सेलेबल होता है उसे मोनोसेलेबिक, जिसमें दो होते हैं वो डाइसेलेबिक, और जिसमें दो से ज़्यादा होते हैं
उसको पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कहा जाता है। गॉट इट? तो मैंने कहा कि सिलेबल एक वोवल साउंड होती है एंड इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द सिलेबल इन एन इजी वे सो आई हैव गिवन ए फॉर्मूला दैट सीवीसी विल बी कॉल्ड ए वन सिलेबल एंड द वर्ड्स हैविंग वन सिलेबल आर कॉल्ड द मोनोसिलेबिक और डाईसिलेबिक और पोलोसिलेबिक। इज इट ओके? नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या है कि जिनके अंदर एक सिलेबल होता है उनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप बनाओगे तो उनके अंत में ER व EST का यूज किया जाता है और जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं उनकी हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोर और मोस्ट का यूज़ किया जाता है। चलो सिलेबल निकालते हैं। मैं इस टोल की बात करूं तो T यहाँ कॉन्सोनेंट है, A वोवल है और LL कॉन्सोनेंट है तो ये एक सिलेबल है इसलिए इसमें ER और EST लगाया गया है। ठीक, मैं रिच की बात करूं तो R कॉन्सोनेंट है, I वोवल है और ये दोनों कॉन्सोनेंट है तो इसमें भी एक सिलेबल है इसलिए ER और EST लगाया गया है। मैं पुअर की बात करूं ये कॉन्सोनेंट है, ये दोनों वोवल हैं, ये कॉन्सोनेंट है, इसमें भी एक सिलेबल है इसलिए इनकी जब हमने कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई है तो ER और EST का यूज़ किया गया है। लेकिन हम बात करें ब्यूटीफुल की तो ब्यूटीफुल में B कॉन्सोनेंट है, EAU तीनों वोवल हैं, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, इट मीन्स 1, 2 एंड 3। इसमें तीन सिलेबल होने के कारण ऐसा हुआ कि मोर और मोस्ट का यूज किया। जैसे मैंने पहले बताया कि जिन शब्दों में एक सिलेबल होगा उनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER और EST लगाएंगे और उन एक से ज़्यादा सिलेबल हुए डाईसिलेबिक है या पोलोसिलेबिक है एक से ज़्यादा कितने भी हुए उनकी कंपेरेटिव बनाएंगे तो शुरू में मोर और सुपरलेटिव बनाएंगे तो शुरू में मोस्ट का यूज किया जाएगा। इज इट ओके? नाउ आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपेरेटिव और द सुपरलेटिव डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो ऐसा एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो है हैंडसम। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हैंडसम में कितने सिलेबल्स हुए हैं। तो हमारे पास वर्ड है हैंडसम तो हम ये देख रहे हैं कि H कॉन्सोनेंट है, A वोवल है, ये तीनों कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, 1, 2। आगे CVC कंप्लीट नहीं हो रहा इसका मतलब इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि इसमें 2 सिलेबल्स हैं और 2 सिलेबल्स होने के कारण इसकी हम कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर हैंडसम और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोस्ट हैंडसम का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से मैं वर्ड की बात करूं, टॉक एक्टिव के बारे में बात करूं, टॉक एक्टिव तो ये कॉन्सोनेंट, ये वोवल, ये चारों कॉन्सोनेंट, ये वोवल, ये कॉन्सोनेंट, ये वोवल तो इसके अंदर भी हमें लगता है 2 सिलेबल तो इसकी भी हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो मोर और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट का यूज किया जाएगा। इज इट ओके? तो फाइनल हमारा कंक्लूजन ये आया कि जिन शब्दों में एक सिलेबल होता है उनकी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए रेस्पेक्टिवली वी हैव टू ऐड ER और EST इन द एंड ऑफ दीज वर्ड्स एंड इफ वी हैव मोर देन वन सिलेबल्स इन ए वर्ड टू फॉर्म दैट कंपेरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री वी शुड ऐड मोर और मोस्ट रेस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग ऑफ दैट एडजेक्टिव और द एडवर्ब। नेक्स्ट बात मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड बात, हमें पता है कि बिग जो वर्ड है उसमें एक सिलेबल है, यहाँ बी कॉन्सोनेंट है, आई वोवल है, जी कॉन्सोनेंट है, एक सिलेबल है, इसका मतलब ये तो श्योर है कि इसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम बनाएंगे तो ER और EST लगेगा। लेकिन एंड में एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वोवल है तो उसमें हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो वो जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल कर दिया जाता है तो आप देख रहे हो कि बिगेस्ट और बिगर इनमें जी जो है वो डबल कर दिया गया है। कारण क्या बताया मैंने कि अंत में एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक ही वोवल है, ध्यान रहे अंत में एक ही कॉन्सोनेंट।